देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 80 सीटों की जीत का दावा कर रही है, वह अभी भी करीब 25 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। भाजपा ने पहली सूची तो बहुत पहले जारी कर दी। बहुत सारे कयास को नकारते हुए भाजपा ने कई वर्तमान सांसदों को भी टिकट काट दिए। भाजपा की रफ्तार क्या थम गई है, सबसे बड़ा प्रश्न चल है, क्योंकि 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा भाजपा कर रही है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल तो बजा हुआ है और आखिरी शंखनाद भी हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन जो निगाहें हैं वो उत्तर प्रदेश पर टिक गई हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आज उत्तर प्रदेश को सियासी तौर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 80 सीटों की जीत का दावा कर रही है, वह अभी भी करीब 25 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में यूपी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। जानकारों की मानना है कि भाजपा ने पहली सूची तो बहुत पहले जारी कर दी। बहुत सारे कयास को नकारते हुए भाजपा ने कई वर्तमान सांसदों को भी टिकट काट दिए, जबकि बातें ये उठ रही थी कि उनके प्रति जनता में आक्रोश का भाव है। देखिए, जनता वर्तमान के सांसद पर भरोसा नहीं जता रही है, कुछ ऐसी ही बातें हो रही हैं। इसके बावजूद भाजपा ने उनको टिकट देकर चौंका दिया। भाजपा की रफ्तार क्या थम गई है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा भाजपा कर रही है। प्रत्याशियों को परेशानी, पहली सूची जारी करने के बाद भाजपा की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त जरूर नजर आई है। कई जगहों के लिए अभी तक नाम स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, जबकि वहां पर जो प्रबल दावेदार हैं उनके साथ अलग तरह की समस्याएं हैं। देखा जाए तो मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर कोई अभी तक राय नहीं बन पाई है। दूसरी ओर बिजभूषण सिंह को लेकर अलग ही विवाद चल रहा है। भाजपा के कार्यकाल के पूरे समय वरुण गांधी अपनी सरकार के विरुद्ध लगातार आवाज उठाते रहे, तो ऐसे में क्या भाजपा फिर से उनको मौका देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बृजभूषण सिंह के इतने बड़े मामले और विवाद में फंसने के बावजूद वो ताल ठोक रहे हैं कि उनका टिकट कौन काटेगा, और यही सब चीजें भाजपा के पार्टी को उलझा रही है। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, तेरी बातों में ऐसा उलझा लिया, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा इसी तरीके से उलझती हुई नजर आ रही है। देखिए, भाजपा के भीतर भी योगी खेमे की ओर से एक तरह का दबाव बना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और ब्रजेश पाठक को नाव से टिकट देने के लिए कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक इस बात पर कोई फैसला तो नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अंदर खाने लगातार मंथन किया जा रहा है। भाजपा को एक नई परेशानी और झेलनी पड़ रही है। देखिए, भाजपा ने जो पहली सूची जारी की है उसमें से कई को उनके क्षेत्र में जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। सलेमपुर के प्रत्याशी को कई बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उनको खुद अपमानित भी होना पड़ा। बस्ती के प्रत्याशी को कार्यालय नहीं खोलने दिया गया। सीतापुर सीट के सिटिंग सांसद का भी विरोध हो रहा है। कुशीनगर के सांसद को खदेड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था। संघ के लोगों की जो आंतरिक रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं भाजपा को चिंता में डाल रही है। उस हिसाब से भाजपा ने सीट शेयरिंग में काफी जल्दबाजी कर दी है, तो एक संभावना ये भी है कि कुछ टिकट बदल भी दिए जाएंगे। प्रत्याशियों को जो विरोध झेलना पड़ रहा है उनका टिकट को रिप्लेस करने के लिए काफी है। अब ऐसे में भाजपा की चिंता काफी बड़ी हुई है। साझेदारों के साथ साझेदारी बनी है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, भाजपा ने यूपी में अपने साझेदारों को मना लिया है, सुभाषपा हो, चाहे वो पल्लवी पटेल हो या फिर बसपा के संस्थापक सदस्य के परिवार के लोग हो। कई लोग दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा का हाथ थाम चुके हैं, लेकिन भाजपा अपने ही घर की बात की जाए तो वो अपने घर की बात को नहीं सुलझा पा रही है। जानकारों का मानना है कि भाजपा जिस रणनीति पर काम कर रही थी वो रणनीति अब कहीं ना कहीं फेल हो गई है, या हो सकती है, हम इसका कोई प्रमाण तो नहीं दे रहे, लेकिन जो धरातल पर तस्वीर है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। भाजपा अपने यहाँ कई पार्टियों के विधायकों, सांसदों के सहित अन्य नेताओं को अपने यहाँ ले आई है। अब उसके साथ टिकट के लिए और भी संकट बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी भाजपा में आया है वो एक आश्वासन तो चाहता ही चाहता है। भाई, आप अपना घर छोड़कर दूसरे के यहाँ घर बसाने चले हैं तो आश्वासन तो आपको देना पड़ेगा, या फिर आप दूसरे के घर से किसी को लेकर आए हैं तो भी आपको आश्वासन देना पड़ेगा, क्योंकि टिकट मिलने की उम्मीद से वो भाजपा में शामिल हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई दल बदलता है या दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसे लालच तो होता ही है, और राजनीति का मतलब ही लालच है।
अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बसपा के अनंत मिश्र भाजपा के कार्यालय तक पहुंचे हुए थे, लेकिन ज्वाइनिंग के आधा घंटा पहले ही वो वहां से निकल गए। भाजपा की रणनीति थी कि दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, लेकिन जो भी कद्दावर नेता आ रहा है वो चुनाव लड़ने की दृष्टि से आ रहा है। वो एक पार्टी बेस के लिए नहीं आना चाहता, ये एक तरह से पार्टी के लिए सिरदर्द सा भी है। सुभाषपा को एक सीट, अपना दल को एक सीट भाजपा ने दे दी है, लेकिन संजय निषाद अभी भी नाराज चल रहे हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उनको जो टिकट मिला है वो भाजपा के सिंबल पर मिला है। अब इसको लेकर वो कई बयान भी दे चुके हैं। इसके अलावा वो दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि भाजपा की जगह उनके पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। इन सब के अलावा एक समस्या ये भी बनी हुई है कि जो दूसरी पार्टी के बड़े लोगों को बुलाया गया है उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए। एडजस्ट करने जैसी बातें हो रही हैं, क्योंकि यूपी में विधान परिषद का भी चुनाव खत्म हो चुका है, राज्यसभा के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। जिस पैमाने पर उस कद के नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो नाराज हो सकते हैं। अभी हाल ही में बाराबंकी के प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपना नाम चुनाव से हटा लिया। ऐसे में बहुत सारी चीजें भाजपा के अंदर हैं जो बाहर से सहज लगता है लेकिन ऐसा है नहीं है। भाजपा के लिए परेशानी बढ़ रही है। भाजपा ने जो 80 सीटों को जीतने का ख्वाब देखा है, जो सपना सजोया है, तो क्या ऐसा लगता है कि भाजपा को यूपी में 80 सीटों को जीतने में परेशानी होने वाली है? क्योंकि अंदर खाने में तो अभी तक बात बनती दिख नहीं रही। जानकार मानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए महज एक नारा है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। भाजपा 80 सीटों पर जीतने का दावा करती है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव 80 सीटों पर हराने का वादा करते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ नारा भर है। जमीनी हकीकत भाजपा को भी पता है कि इतना सहज तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं। ये भी तब जब भाजपा के सहयोगी दल पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा दबाव बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं। यूपी में ओम प्रकाश राजभर को ही देख लिया जाए तो दबाव बनाकर यूपी में मंत्री परिषद भी लिए और लोकसभा में दावेदार भी हैं। बिहार में चिराग पासवान ने दबाव बनाकर सीट अपने पाले में कर ली। महाराष्ट्र में अभी तक बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। संजय निषाद अभी भी नाराजगी की स्थिति में है। भाजपा का एक अपना प्रधान प्रभा मंडल था, वो अपनी शर्तों पर गठबंधन करती है। अब कहीं ना कहीं वो प्रभा मंडल टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा से कहा जाता है कि भाजपा अपनी शर्तों पर गठबंधन करती है, लेकिन आज भाजपा ने जो नारा दिया है 400+ का, आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है, ये कैसे पूरा किया जाए ये महत्वपूर्ण है। तो क्या भाजपा अपनी बातों को, अपने जो उसूल हैं उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रही है, संशोधन करने की कोशिश कर रही है? क्या भूल रही है भाजपा कि भाजपा ने कहा था कि हम अपने आधार पर या अपने शर्तों पर हम गठबंधन करते हैं? क्या अब छोटे छोटे दलों से भी गठबंधन करने के लिए भाजपा को एक बड़ी बलि देनी पड़ रही है? ये वजह जमीनी संकेत की ओर भी इशारा करती है। भाजपा के पास चुनावी मुद्दे नहीं हैं। मैं नहीं कह रही, आप लोग भली बात ही समझते होंगे, जो उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं इतने सालों से वो बेहतर तरीके समझते होंगे। अगर बीजेपी के मुद्दों को देखें तो अब कोई खास मुद्दा बचा नहीं है। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी हैं, हिंदुत्व और सीए ही एकमात्र अब मुद्दा बचा हुआ है। भाजपा के लिए आलोचनाएं हैं जिसमें महंगाई है, इकोनॉमी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, तमाम मुद्दे हैं। इसका असर अभी नीचे तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन बात उठी है तो बात दूर तक जाएगी, ये आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जातीय गोलाबंदी भी है, ये सब चुनौतियों का कारण हो सकता है। इन सबको दरकिनार करते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में 51 सीटों पर प्रत्याशी को आधार देना एक समस्या पैदा कर चुका है। चर्चा तो रहती है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच बातचीत उतनी सहज तरीके से नहीं रहती, लेकिन लोकसभा चुनाव में माना जाता है कि दिल्ली के फैसले यूपी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का भी कद इतना बढ़ चुका है कि उनकी बातों को शीर्ष नेतृत्व दरकिनार तो नहीं कर सकता। हालांकि संगठन स्तर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री को हक है कि वो अपने फैसले पर अड़िग रह सकते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को भी इन सब बातों पर ध्यान रखना होता है। तो ये पहली तस्वीर है लोकसभा के लिहाज से जो मैंने बताई है, जो अभी भाजपा के अंदर खाने चल रहा है। लेकिन आखिर सियासी ताना बाना क्या कहता है उत्तर प्रदेश का, उस पर भी नजर डालते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 80 सीटों की जीत का दावा कर रही है, वहां अभी भी करीब 25 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हो गई है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ और तस्वीर भी अलग हो सकती है।
वो कहते हैं ना कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है। देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य, देश की सबसे बड़ी सियासत का विद्यालय माना जाता है, जिसे यूपी जीत लिया, मान लिया जाता है कि दिल्ली में भी सरकार तो वही बनाएगा। तभी तो जब 2014 में बीजेपी को केंद्र में सरकार बनानी थी तो अपने सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़वाया गया था। अब एक बार फिर यूपी पर ही सबसे ज्यादा चर्चा है, इस बार मौका 2024 के लोकसभा चुनाव का। देखिए, एक बार फिर उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए सभी पार्टियां जी जान लगा रही है। चुनावी विश्लेषण तो कई हो चुके हैं, समीकरणों की जानकारी भी दी गई है, लेकिन एक ही जगह पर सरल भाषा में अगर यूपी का पूरा ज्ञान मिल जाए तो चुनावों को समझना आसान हो जाएगा, पार्टी की रणनीति को समझना आसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से सियासी तौर पर समझ पाएं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें निकलती हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता रही हूँ, ये किसी भी राज्य की सर्वाधिक सीटें हैं। यूपी की राजनीति को समझने के लिए जानकारी से चार हिस्सों में बांटकर देखते हैं, चाहे वो पश्चिमी यूपी की हम बात करें, पूर्वांचल की बात करें, अवध और बुंदेलखंड की बात करें। अब इन सभी क्षेत्र में अपने मुद्दे हैं, अपने समीकरण हैं, अपनी राजनीति भी चलती रहती है। सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत जाट, मुस्लिम, दलित समाज के, जाटव समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है। पश्चिमी यूपी की खासियत यह है कि यहां पर इन जातियों का बोलबाला पूरे राज्य के लिहाज से सबसे ज्यादा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे यूपी में मुस्लिम मतदाता 20% के करीब है, लेकिन बात जब अकेले पश्चिमी यूपी की आती है तो यहां यह आंकड़ा बढ़कर 32% पहुंच जाता है। इसी तरह पूरे यूपी में जाट समाज 4% के करीब बैठता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इनकी संख्या 17% हो जाती है। पूरे राज्य में दलित वर्ग 21% है, लेकिन अकेले पश्चिमी में 26% पर है। यहां भी 80% जाटव समुदाय वाले। पूर्वांचल, यूपी का पूर्वांचल इलाका भी अपनी एक अलग सियासत लेकर आता है। क्षेत्र से लोकसभा की कुल 26 सीटें निकलती है, 130 विधानसभा सीटें होती हैं। पूरे यूपी की ही 32% आबादी इस पूर्वांचल में रहती है। इसे यूपी का पिछड़ा इलाका भी माना जाता है और किसानों की यहाँ निर्णायक भूमिका रहती है, लेकिन पिछड़े होने के बावजूद देश को 5 प्रधानमंत्री देने वाला इलाका भी ये पूर्वांचल ही है। इस क्षेत्र में राजभर, निषाद और चौहान जाति का बोलबाला रहता है। पूर्वांचल में वाराणसी, जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा जैसे जिले आते हैं। अवध, पूर्वांचल के बाद अगर यूपी में किसी क्षेत्र को सबसे बड़ा माना जाता है तो वो है अवध। इसे जानकर मिनी यूपी भी कहते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी पार्टी के लिए जीत का मतलब होता है। पूर्वांचल में भी अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी 12% के करीब रहती है, 7% ठाकुर, 5% बनिया समाज भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। ओबीसी वर्ग का 43% हिस्सा भी अवध में ही रहता है। यहाँ भी यादव समाज 7% के करीब है। कुर्मी समुदाय भी 7% ही चल रहा था। अवध से कुल लोकसभा सीटें 18 निकलती हैं। बुंदेलखंड यूपी का वो क्षेत्र जो कई बार जल संकट की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। बुंदेलखंड इलाके से लोकसभा की 5 सीटें निकलती हैं और ये क्षेत्र ओबीसी और दलित वोटर्स की वजह से निर्णायक माना जाता है। इस क्षेत्र में सामान्य वर्ग के कुल 22% वोट है। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, ठाकुर को शामिल किया जा सकता है। वैश्य समाज के भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। इसके अलावा ओबीसी की अहम जातियाँ जैसे कुर्मी, निषाद, कुशवाहा भी बुंदेलखंड में ही सक्रिय हैं। इनकी कुल आबादी 43% के करीब बैठती है। बुंदेलखंड में दलित वोटर्स की बात करें तो वो 26% के आसपास है। यूपी की सबसे निर्णायक जातियाँ कौन सी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश फतह करने के लिए जातियों की समझ सब कुछ हो सकती है। यहाँ विकास के नाम पर वोट भी तभी मिलता है जब जातियों को सही तरीके से साधा जाए। यूपी की राजनीति समझने के लिए जातियों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। बात चाहे ओबीसी की कर ले, मुस्लिम की कर ले, सवर्ण समाज को साधने की कर ले, सभी का यूपी की सियासत में अहम योगदान रहता है। मुस्लिम समाज का वोट किस तरफ जाएगा यूपी की जब भी बात की जाती है, सवाल का आना लाजमी है। यूपी मुस्लिम जनसंख्या के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 20% के करीब मुस्लिम रहते हैं। सपा बसपा कांग्रेस के बीच में इस वोट बैंक का वोट रहता है। बीते कुछ समय में बीजेपी ने भी मुसलमानों के एक वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश की है। लोकसभा के लिहाज से बात करें तो 80 में से 36 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20% के करीब है। इसके तहत 6 सीटें ऐसी है जहां से 50% से भी ज्यादा ये बैठती है। अगर मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करें तो इस लिस्ट में बागपत, अमेठी, अलीगढ़, गोंडा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मऊ, महाराजगंज, पीलीभीत, सीतापुर शामिल हैं। ओबीसी, उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स कई बार काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसका कारण यह है कि कई छोटी उपजातियां भी ओबीसी के अंदर आती हैं, उनकी अपनी अहमियत है। पूरे यूपी की बात करें तो ओबीसी वर्ग 52% के आसपास बैठता है। वहां भी जो गैर यादव वाला वोट बैंक है, इनकी आबादी 43% है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में यूपी में बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक गैर यादव वोट है। इन गैर यादव में कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, कुम्हार, जसवाल, राजपर, गुर्जर जैसी छोटी जातियां शामिल हैं। अब ये तो गैर यादव वोटर हुए। सपा का जो कोर वोट बैंक है उसमें यादव को सबसे पहले रखा जाता है।
8% के करीब उनकी आबादी है। ओटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद जैसे कई इलाकों में, कई जिलों में निर्णायक भूमिका रहती है। ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भी राज्य की सियासत काफी हद तक प्रभावित करता है। इनकी आबादी जरूर 8 से 10% के करीब रहती है, लेकिन एक दर्जन से भी ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर इनकी आबादी 20% को भी क्रॉस कर जाती है। वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, जौनपुर, अमेठी, कानपुर, प्रयागराज, संत कबीरनगर कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हार जीत ब्राह्मण वोट तय कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस इस वर्ग को अपने पाले में करने के लिए रहता है। अब तो अखिलेश यादव भी समाज को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद करते दिख रहे हैं। यूपी के सबसे बड़े सियासी चेहरे, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरणों के आधार पर तो चलती ही है, उन्हें चलाने वाले वो सियासी चेहरे रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सालों की मेहनत करते हैं, तब जाकर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच पाते हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इनसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक का ये अहम चेहरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता है। हिंदुत्व की राजनीति का लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे योगी वर्तमान में देश के सबसे चर्चित सीएम भी माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं 80 सीटें टारगेट इन्हीं के लिए रखी हुई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ निभाते हैं। तीसरा चेहरा मायावती, यूपी की सियासत को बिना मायावती के पूरा नहीं किया जा सकता। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती राज्य में दलित समाज का बड़ा चेहरा है। केरला से लेकर बिजनौर और हरिद्वार तक चुनाव लड़ चुके। 2001 से लगातार मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा भी रही है। ओपी राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर वर्तमान में बीजेपी के साथ गठबंधन किए हुए हैं और सियासी लिहाज से भी इनका अपना एक कद है। जयंत चौधरी, जाटों का जब भी जिक्र आता है जयंत चौधरी के नाम का आना भी लाजमी है। इस समय उनकी पार्टी आरएलडी जरूर राज्य में हाशिए पर आ चुकी है, लेकिन वे लगातार जमीन पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर यूपी जीतना है तो यूपी को समझना पड़ेगा, सियासी तौर पर भी, जातीय तौर पर भी, तभी जाकर यूपी में से 80 से 80 सीटें किसी के खाते में जा सकती हैं। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।